हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू अर चैनल आर हेथ इन वेलनेस सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फर्दर पार्ट ऑफ द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस फादर की बात कर रहे थे फादर ऑफ मेडिसिन हो जाते हैं हिपोक्रेट्स फादर ऑफ सर्जरीज सुश्रुता फादर ऑफ आयुर्वेदा इज चरक फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी इज़ रूडॉल्फ बर्काउ फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी इज़ आर मिश्रा फादर ऑफ एनाटमी इज़ एंड्रियाज विसेलियस फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स इज एलेक्जेंडर फ्लैमिंग फ़ादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी इज लो जोसफ लिस्टर फादर ऑफ़ बैक्टीरियोलॉजी इज़ रॉबर्ट कोच फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज़ विलियम हार्वे अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिजीजेस की डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस कितने तरह की हो सकती हैं तो ब्रॉडली अगर देखें तो दो तरह की हो जाती हैं कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड कंजेनाइटल डिजीजेस वो होती हैं जो राइट फ्रॉम द बर्थ प्रेजेंट होती हैं कैसे हो सकती हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होती हैं जैसे क्लैफ्लिप क्लैफ पैलेट या फिर क्रोमोसोमल लेबरेशन की वजह से हो सकती हैं जैसे डाउन सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम क्लिनिफेल्टर सिंड्रोम या फिर म्यूटेशन की वजह से हो सकती हैं जैसे एल्बिनिज्म सिकल हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस एक्सेट्रा नेक्स्ट so, आ जाती हैं आपकी एक्वायर्ड डिजीज जो कि बर्थ के बाद डेवलप करती हैं अब ये फर्दर दो टाइप्स में क्लासीफाई हो जाती हैं वन इज़ कॉम्यनिकेबल डिजीजेजर अनदर वन इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कम्युनिकेबल डिजीजेस वो होती हैं जो पैथोजेंस की वजह से होती हैं पैथोजिन कुछ भी हो सकते हैं आपके बैक्टीरिया हो सकते हैं वायरसेस हो सकते हैं फनजाए हो सकते हैं और वो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से हेल्दी इंडिविजुअल में आसानी से ट्रांसमिट हो जाती हैं तो ऐसे डिजीजेस को हम कॉम्यनिकेबल या फिर इन्फेक्शस डिजीजेस भी कहते हैं एक जर्मन फिजिशियन थे रॉबर्ट कार्च जिन्होंने कुछ कंडीशंस रखे थे कि कौन सा uh, मतलब स्पेसिफिक पैथोज़न डिजीज कर सकता है तो आप कैसे प्रूफ कर सकते हैं उसको तो सबसे पहले तो हो जाता है जो जो सस्पेक्टेड पैथोजन है वो uh, आपके होस्ट में प्रेजेंट होना चाहिए जो उस डिजीज से सफ़र कर रहा है और हेल्दी इंडिविजुअल्स में नहीं होना चाहिए है. जो पैथोजन आइसोलेट होता है डिजीज इंडिविजुअल uh, से वो आप प्योर कल्चर में ग्रो कर सकते हैं जब ये कल्चर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल में इनोक्युलेट करेंगे तो जो हेल्दी इंडिविजुअल है उसको भी डिजीज होनी चाहिए और अपनी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स दिखाने चाहिए पैथोजन अब जो एक्सपेरिमेंटल होस्ट है उस पैथोजन को आप उससे रिकवर कर सकते हैं और वही होना चाहिए जो ओरिजिनल है तो ये कुछ पोस्टुलेट्स थे जिसको हम कुछ पोस्टुलेट्स भी कहते हैं अब पैथोजेंस की बात करेंगे तो कैसे डिजीज कॉज करते हैं तो एक तो हो जाता है आपका डायरेक्ट ट्रांसमिशन और वन वनस इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन डायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या होता है कोई इंटरमीडिएट एजेंट नहीं होता है सीधे ट्रांसफर हो जाता है कैसे होता है कुछ डिफरेंट टाइप्स होते हैं इसके जैसे सॉइल uh, के कॉन्टेक्ट में आ गए आप तो जैसे कुछ डिजीज़ होती हैं जैसे टेटनस है ब्लड पॉइजनिंग है तो इसके जो बैक्टीरिया हैं वो सॉइल से इंजरी जैसे सॉइल से एंटर कर जाते हैं मान लीजिए आपको कोई इंजरी हो गई और आप सॉइल के कांटेक्ट में आ गए तो इस तरह के बैक्टीरिया आपके बॉडी में एंटर कर जाते हैं इसलिए हम कहते हैं कि स्किन इंजरीज को हमें नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए नेक्स्ट आ जाता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन अब ये क्या होता है जैसे अगर आप किसी कन्फाइंड प्लेस में रहते हैं आइसोलेटेड प्लेस में रहते हैं किसी पर्टिकुलर रूम में हैं, थिएटर में हैं या आ, आप किसी क्लोज कंपार्टमेंट में हैं जैसे ट्रेन कंपार्टमेंट में हैं, और वहाँ पर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है अब मान लीजिए उसने कफ किया स्नीज किया स्पिट किया या इवन बातें ही क्यों ना की तो उससे क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ऑफ म्यूकस जो हैं वो पूरे इन्वायरमेंट में स्प्रेड हो जाते हैं जिसमें पैथोजेंस हो सकते हैं डिफरेंट वायरसेस हो सकते हैं बैक्टीरिया हो सकते हैं तो ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं भी वो हेल्दी इंडिविजुअल्स इनहेल कर लेते हैं और जिससे उन्हें भी डिजीज हो जाती है तो इनके एग्जाम्पल मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल रिसेंट एग्जाम्पल आप कोविड नाइन्टीन ले सकते हैं बाकी एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके इन्फ्लुएंजा कॉमन कोल्ड ट्यूबर न्यूमोनिया वो पिंक तो ये ऐसी डिजीज़ेस हैं जो कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती हैं थर्ड आ जाता है आपका कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सनस अब होता क्या है कुछ डिजीज़ेस ऐसी होती हैं जैसे जो स्किन में लीजन्स प्रोड्यूस कर देती हैं तो इन लीजन से अगर कोई डिस्चार्ज होता है और आप उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के स्प्रेड में फैल सकती हैं जैसे आ, रिंग है अगर आपने कुछ आ, डिस्चार्ज को टच कर लिया तो आपको भी हो सकता है स्मॉल पॉक्स है चिकन पॉक्स है या रिंग है तो ये मेयर टच से ही फैल सकती हैं तो इस तरह के डिजीज को हम कंटेजियस डिजीज भी कहते हैं नेक्स्ट आ जाते हैं आपके एनिमल बाइट्स अब मान लीजिए रेबीज़ है तो ये अगर किसी डॉग ने वाइट कर लिया तो ये इसका जो वायरस है वो बॉडी में एंटर कर सकता है उसको आप प्रिवेंट भी कर सकते हैं वैक्सीनेशन से और नेक्स्ट एग्जांपल हो जाता है आपका प्लेसेंटा के थ्रू कई बार क्या होता है जो लेटर पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी होता है तो प्लेसेंटा काफ़ी परमिएबल हो जाता है कुछ पैथोजेंस के लिए जैसे सिफिल्स है बैक्टीरिया सिपलिस का बैक्टीरिया होता है आ, मा पैलेडम तो ये इस तरह से कुछ पैथोजेंस ऐसे भी होते हैं जो कि मैटर्नल ब्लड से फीटस में ट्रांसफर हो जाते हैं नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन अभी तक हमने बात की थी डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस की अब आ जाता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस अब उसमें क्या होता है कुछ आपके एयर से स्प्रेड होती हैं डिजीजेस जैसे एपिडेमिक टाइफस का एग्जाम्पल ले सकते हैं या फिर वहीकल कुछ वहीकल होता है उसकी वजह से ट्रांसमिट हो सकती हैं जैसे कि आपने कुछ फूड है जो कि कंटेमिनेटेड है या वाटर है जो कि कंटेमिनेटेड है और आपने उसे कंज्यूम कर लिया तो इधर क्या होता है कि फ़ूड एंड वाटर आपके व्हीकल का, का काम करते हैं और आपकी बॉडी में डिजीज़ कॉज कर सकते हैं और जो डिजीज़ इस तरह से फैलती हैं वो हो जाती हैं आपकी टाइफाइड एंड कॉलेरा जो कि काफ़ी कॉमन होती हैं और कई बार क्या होता है कि जैसे राउंड बॉम इन्फेक्शन है वो भी कुछ इसी तरह से ही फैलता है फूड कंटेमिनेटेड फूड अगर आप ले लेते हैं प्रॉपर हैंड वॉशिंग मेथड्स नहीं यूज़ करते हैं तो राउंड बर्फ इन्फेक्शन भी बहुत आसानी से फैल जाता है नेक्स्ट आ जाते हैं वेक्टर बॉन डिजीजेस अब होता क्या है कि जैसे कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो कि वैक्टर का, का काम करते हैं कि एक बार किसी डिजीज इंडिविजुअल को बाइट किया फिर उसके बाद किसी हेल्दी इंडिविजुअल को बाइट कर लिया तो इस तरह से क्या करते हैं कि ये वैक्टर्स डिजीज इंडिविजुअल से हेल्दी इंडिविजुअल में डिजीज़ को स्प्रेड करने का काम करते हैं तो कुछ डिजीजेज ऐसी होती हैं जैसे कोलेरा है टाइफाइड है डिसेंट्री है जिसको स्प्रेड करती है हाउस फ्लाई नेक्स्ट आ जाता है आपका इसी तरह से जैसे कॉकरोचेस होते हैं आंट्स होते हैं तो ये भी इसी तरह से डिजीज को स्प्रेड कर सकते हैं कुछ होते हैं ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स जैसे हो जाते हैं एडीज जो कि एक तरह का मॉस्क्यूटो है ये भी डिजीजेस स्प्रेड करता है आपका क्यूलक्स मॉस्टो हो जाता है जो कि फाइलेरियासेस स्प्रेड करता है फीमेल एनोफिलीस हो जाती है जो कि मलेरिया को स्प्रेड करती है तो ये हो जाती हैं कुछ वैक्टर बॉर्न डिजीजेस अब कम्युनिकेबल डिजीजेस में कई तरह की डिजीजेस हो जाती हैं एक होती हैं बैक्टीरियल बॉर्न डिजीजेस वायरल डिजीजेस इनके कुछ एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें एक हो जाता है टाइफाइड जो कि पॉजिटिव एजेंट है इसका सालमोनेला टाइफी एंड सालमोनेला पैराटाइफ़ी कहाँ रिजाइड करता है इंटेस्टाइन इसका फेवरेट प्लेस रहता है और इसमें फीवर होता है कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है कई बार डायरिया भी हो जाता है वॉमिटिंग भी हो सकती है फैलता कैसे है ये ये कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है या फ्लाइस के थ्रू भी फैल सकता है नेक्स्ट हो जाता है डिप्थीरिया जिसका पॉजिटिव एजेंट है कॉर्नी बैक्टीरियम डिपथीरिय इसका फेवरेट प्लेस है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ थ्रोट एंड टल्स नोज इसके सिम्टम्स हो जाते हैं सोर थ्रोट डिफिकल्टी होती है ब्रीथिंग में और ये आपको ये स्प्रेड करता है थ्रू ओरल एंड नेसल डिस्चार्जेस नेक्स्ट आ जाता है आपका स्टेप्टोकोकस न्यूमोनिया जो कि न्यूमोनिया कॉज करता है इसका फेवरेट प्लेस है लंग्स इसमें ठंड लगती है आ, फीवर भी आ सकता है चेस्ट पेन भी होता है सांस लेने में दिक्कत होती है और ये स्पूटम के थ्रू फैलता है नेक्स्ट आ जाता है ट्यूबर जो कि इंडिया में काफ़ी स्प्रेड है ऑलरेडी काफी स्प्रेड है इसका कॉजेटिव एजेंट है माइको बैक्टीरियम टिश्यू को डैमेज करता है एक एंडोटॉक्सिन रिलीज करता है जिसको हम ट्यूबरकुलिन कहते हैं। फेवरेट प्लेस है इसका लंग्स और इसमें होता है कफ नाइट स्वेट्स होते हैं स्पूटम आता है चेस्ट पेन भी होता है कई बार अनएक्सप्ले लॉस ऑफ वेट भी होता है तो ये इसके कुछ सिम्टम्स हो जाते हैं ये कई तरह का होता है जैसे ट्यूबर कलोसिस में क्या होता है एक तो लंग्स में फैलता है दूसरा होता है आ, लंग्स के अलावा भी कई ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पर ये स्प्रेड कर सकता है जैसे लिम्फ नोड्स है वहाँ वहाँ से भी फैलता है ये और आपके एक्सट इंटस्टाइन में भी फैल जाता है तो इसके अकॉर्डिंग टू द ऑर्गन सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं तो बट द मेन इज डायग्नोसिस जो कि मोन्टूक्स टेस्ट की वजह से होती है मोन्टूक्स टेस्ट कराते हैं जिससे या एलाइसा टीवी कराते हैं जिससे आप डायग्नोस कर सकते हैं कि ट्यूबरकोसिस है या नहीं नेक्स्ट आ जाता है लेप्रोसी जो कि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे कॉज करता है ये स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन्स या पेरिफेरल नर्व्स में रिसाइड करता है इसमें पैचेस हो जाते हैं अल्सर्स हो जाते हैं डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं और ये पेशेंट्स के क्लोज कॉन्टैक्ट में आने से फैलता है नेक्स्ट होता है डायरिया जो कि बहुत ही कॉमन है बहुत ही ईजिली स्प्रेड कर देता है इसके डिफरेंट एजेंट्स हो सकते हैं जैसे इसरीशाकोलाई सालमोनेला भी हो सकता है शिजेला भी हो सकता है कैम्पाइलोबैक्टीरिया बैक्टीरिया भी हो सकता है या फिर जी की वजह से भी हो जाता है ये इंटेस्टाइन में रिजाइड करते हैं और इसमें सिम्टम्स हो जाते हैं आ, फीवर डायरिया एबडामनल क्रैम्स वॉमिटिंग एक्सेट्रा फैलता है ये कंटेमिनेटेड फूड वाटर से नेक्स्ट आ जाते हैं आप वायरल डिजीजेस डिफरेंट वायरल डिजीजेस क्या हो सकती हैं जो कि ड्रॉपलेट मेथड से मोस्ट कॉमनली ड्रॉपलेट मेथड से या फिर फोमाइट से फैलती हैं तो इसके हो जाते हैं मीजल्स हो सकता है जिसमें फीवर होता है इन्फ्लेमेशन होता है ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स लॉस ऑफ एपेटाइट भी होता है रैशेस भी हो सकते हैं और ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलते हैं चिकन पॉक्स जो कि बैरस अजूस्टर वायरस से होता है स्किन सोर्स हो जाते हैं जो कि ओपन भी हो जाते हैं और उसमें से फ्लूड डिस्चार्ज भी होता है ये भी क्लोज कांटेक्ट से फैलता है नेक्स्ट हो जाता है इन्फ्लुएंजा, जिसका पॉजिटिव एजेंट है हीमोफीलस इन्फ्लुएंजी और ये नेजल डिस्चार्ज से स्प्रेड हो सकता है सिम्टम्स हो जाते हैं इसके फीवर बॉडी एक कफिंग स्नीजिंग एक्सेट्रा नेक्स्ट आ जाता है हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस कई तरह का होता है हेपेटाइटिस ए बी सी डी एन ई ये लीवर को अफेक्ट करता है सिम्टम्स इसके मोरल लेस सेम होते हैं जॉन्डिस तो होता ही होता है फीवर भी हो सकता है और डाइजेस्टिव uh, इश्यूज़ भी हो सकते हैं ओरोफिकल रूट या फिर इन्फ्लेक्टेड ब्लड से फैलता है एंड नेक्स्ट uh, हो जाता है डेंगू जो कि आरबो वायरस से फैलता है इसमें एडीज़ इजिप्टी नाम का जो मॉस्किटो होता है वो स्प्रेड करता है उसको नेक्स्ट आ जाता है पोलियो माइलाइटिस जो कि पोलियो वायरस से होता है नर्व्स को अफेक्ट करता है जो नर्वस सिस्टम है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है आ, इसके बाद क्या होता है कि जो नर्व आपकी मसल जिस मसल को जो नर्व सप्लाई करती है तो वो मसल भी अफेक्ट हो जाती है नेक्स्ट आता है रेबीज जो कि रेबीज वायरस से फैलता है ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सेल्स को अफेक्ट करता है और इसमें सिम्टम्स हो जाते हैं आपके फ़ियर ऑफ वाटर, जिसको हम हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं इनएबिलिटी टू सोलो हेडेक भी काफ़ी सीवियर रहता है और ये फैलता है जब कोई आ, जो डॉग जिसको ऑलरेडी ये वायरस कैरी करता हो और वो अगर आपको बाइट कर ले तब ये फैलता है सो दैट्स ऑल फॉर द डे थैंक यू सो मच